हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जो कि लेह लद्दाख से रिलेटेड हैं, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ प्रिपरेशन के बारे में। तो प्रिपरेशन हम करेंगे रूट प्लान्स, कौन कौन से बेस्ट रूट ऑप्शंस आपके लिए हैं जो मल्टीपल सिटीज से आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से आते हैं, तो कौन से बेस्ट रूट ऑप्शंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। एंड उसके हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजें आपको कैरी करनी चाहिए, तो कौन से रूट से जा रहे हैं और कितने लगेज कैरी करना है और क्या क्या आइटम होनी चाहिए जो कि लेह लद्दाख में एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, तो वो हम बात करेंगे। एंड लास्ट में जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से लोग अपना प्लान ड्रॉप करते हैं, वो है बजट। किस बजट में आपको लेह लद्दाख का ट्रिप पड़ेगा वो हम बात करेंगे। तो लेट्स सी। रूट प्लान स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके लेह लद्दाख वीडियोस, व्लॉग के ऊपर एंड रॉयल एनफील्ड के डिटेल्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। फोर पॉपुलर रूट प्लान होते हैं जो कि लोग मैक्सिमम फॉलो करते हैं, जो कि है मनाली टू लेह, देन चंडीगढ़ टू लेह, देन श्रीनगर टू लेह, एंड लास्ट में आता है दिल्ली टू लेह। जो चंडीगढ़ टू लेह है हमने फॉलो किया था, तो हमने कवर किया था उसको 3 डेज में, रिटर्न होते वक्त एंड जाते वक्त जो हमने किया था उसको 4 डेज में कंप्लीट किया था। तो हमने किया था चंडीगढ़ टू मनाली, मनाली टू जैसपा, जैसपा टू सरचू, सरचू टू लेह। तो ये हमने फॉलो किया था, जो कि स्टैंडर्ड है, जिसमें आप रिलैक्स करके और एंजॉय करके जा सकते हैं। जो डिफरेंट जो दूसरे दूसरे लोग यूज करते हैं वो है मनाली टू लेह, ऑब्वियसली 3 डेज में या 2 डेज का ऑप्शन होता है। आप मनाली टू सरचू जाइए, सरचू टू लेह कर सकते हैं, जो कि 2 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। एंड कई लोग करते हैं श्रीनगर से, कई बार अगर आप चंडीगढ़ से श्रीनगर और कारगिल जा रहे हैं तो आप 5 डेज में उसको कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें आपको पहले जाना पड़ेगा चंडीगढ़ से जम्मू, जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से कारगिल, देन आप उसके बाद आप जा सकते हैं लेह। एंड उसके बाद लेह में जाने के बाद आपको चाहिए एटलीस्ट 4 डेज, बिकॉज वहां से आगे जाने के भी घूमने की जगह है, जैसे पैंगोंग लेक है। तो पैंगोंग लेक 160 किलोमीटर पड़ता है लेह से, एंड खड़दुंगला, उसके आगे नूबरा। तो नूबरा वैली अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको भी उसके लिए 2 डेज देना पड़ेगा, बिकॉज रिटर्न आके आप वहां से रिटर्न आएंगे तो 2 डेज एक्चुअली लग जाएगा, बिकॉज 120 किलोमीटर आपको नूबरा पड़ जाता है। तो ये है एक बेसिक रूट प्लान। तो आप दिल्ली से अगर ले जा रहे हैं तो सेम आप चंडीगढ़ वाला रूट फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बट अब इसमें इंफॉर्मेटिव चीज क्या है, अगर आप बिगनर हैं तो मैं प्रेफर करूंगा, अगर आप यही रिकमेंडेशन करूंगा कि आप श्रीनगर वाला रूट लीजिए, अच्छी रोड मिलेंगी वहां पर आपको, ज्यादा हाइट नहीं मिलेंगी। बट अगर आप राइडिंग का एक्चुअली इंजॉयमेंट करना चाहते हैं, मजे लेने चाहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी वादियां देखना चाहते हैं, पहाड़ों पर राइड करना चाहते हैं, एक्चुअल पहाड़ों पर, तो मनाली टू लेह एक परफेक्ट वे है आपका जाने का। एक रूट रहेगा आपके लिए जिसे आप अच्छे से जा सकते हैं इंजॉय करते हुए, जिसमें आपको मिलेंगी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, लाचुंगला, बारालाचा, देन तांगलांग ले। तो ये सब पहाड़ियाँ आपको क्रॉस करनी पड़ेंगी, फिर आप पहुंचेंगे ले। तो ये हुआ रूट का ऑप्शन। तो आप बेसिक, अगर टेंटेटिव अगर मैं बताऊं आप लोगों को कितना डेज आपको लगने वाला, क्योंकि डेज पे डिपेंड करता है आपका बजट, और जितने नंबर ऑफ डेज आप ज़्यादा रुकेंगे उतने नंबर ऑफ आपका जो बजट होगा वो इंक्रीज होता जाएगा। तो अब हम बात करते हैं क्या क्या चीजें कैरी करनी होती हैं। रूट प्लान जितने भी हैं वो आपको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, कौन कौन से रूट ऑप्शंस हैं, बेस्ट ऑप्शंस हैं, आप फॉलो कर सकते हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखिएगा, ठीक है। और अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज, क्या क्या चीजें कैरी करनी है, क्योंकि अगर आप चंडीगढ़ टू लेह या फिर मनाली टू लेह या कोई भी रूट फॉलो कर रहे हैं, अगर आपने फुल प्रिपरेशन के साथ जाएंगे तो आपको हमेशा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि आपका सारी चीजें हैं, क्योंकि हर जगह पे सारी चीजें अवेलेबिलिटी नहीं मिल पाएगी। ऑब्वियसली लेह साइड में आप बाय कर सकते हैं, मनाली तरफ बाय कर सकते हैं, बीच का जो रास्ता है पूरा आपका रोड एकदम खाली मिलेगा। श्रीनगर वाला रूट लेते हैं, पठानकोट साइड जाते हैं, तो वहां से आप चीजें कैरी कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, बट द थिंग इज कैरी करना ज्यादा बेटर रहता है ऑप्शन। तो क्या क्या चीजें कैरी करनी है वो इस ब्लॉग में हम बताएंगे। तो क्या क्या चीजें आपको कैरी करनी है दोस्तों वो हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट मैं बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली अगर आप लेह लद्दाख का प्लान बना रहे हैं तो 8 to कम से कम 10 डेज का प्लान तो बनेगा ही नॉर्मली, तो आपको उसके हिसाब से चीजें कैरी करनी है और ना ही ज्यादा ना ही कम होनी चाहिए। तो क्या क्या चीजें कैरी करनी है वो हम बताते हैं। आपको कैरी करना है डॉक्यूमेंट पूरा अपनी गाड़ी का भी, अगर आप बाइक अपनी है या किराए की भी है, रेंट पे भी अपनी ली है, तो आपको
गाड़ी के पेपर पूरे होने चाहिए, डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, क्योंकि उस वहां से आगे जाने के बाद मनाली पे आपको परमिट लेना पड़ेगा। रोहतांग पास के बाद का जितने भी एरियाज हैं वहां के लिए आपको परमिट लेने पड़ते हैं, एंड उसके बाद आपको लेह में भी परमिट लेना पड़ता है, आपको पैंगोन और खड़दुंगला जाने के लिए भी, नुब्रा के लिए भी आपको परमिट चाहिए होता है, वहां के आसपास घूमने के लिए आपको परमिट चाहिए होता है। डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए आपके, आईडी प्रूफ के साथ में, वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड भी वैलिड है, तो वो सारी चीजें आपके साथ कैरी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट मस्ट है। हो सके तो प्रिंट आउट भी लेके जाइए, ठीक है, बेटर रहता है, फोटो कॉपी आपके साथ होनी चाहिए, एंड फुल्ली राइडिंग गियर्स आपके पास होने चाहिए, बिकॉज सेफ्टी को प्रायर अगर आप देते हैं तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बिल्ड होता है, एक अच्छी फीलिंग भी आती है, और आपकी जो राइडिंग होती है वो भी एक कंफर्ट बन जाती है। तो फुल्ली राइडिंग गियर्स मीन्स आपके नी गार्ड्स, एल्बो गार्ड्स सारे होना चाहिए, एंड आप अगर आपका राइडिंग जैकेट है तो बहुत अच्छी बात है, उसका रिव्यू ब्लॉग्स अपकमिंग वीडियोस में आने वाला है, कौन कौन से राइडिंग गियर्स हैं, तो वो भी आप, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, सो दैट आपको आगे की ब्लॉग दिखे। कम टू टॉपिक, तो टॉपिक पे आते हैं, राइडर जैकेट पैंट अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, एक अच्छा हेलमेट आपके पास होना चाहिए अच्छी ब्रांड का, सो दैट आपका एक अच्छा लुक भी आए और कंफर्ट भी बना रहे, तो क्योंकि विजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब आप पहाड़ों पर राइड कर रहे हैं, तो हेलमेट होना चाहिए। उसके बाद आपके आते हैं रेगुलर आइटम को कैरी करने के लिए, एक अच्छा बैग, सैडल बैग, ठीक है, जिसमें आप लगेज कैरी करेंगे, ठीक है, अगर आप कोई गाड़ी करवा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात साथ में, अगर नहीं करवा रहे तो एक अच्छा सैडल बैग आपके पास होना चाहिए जिसका कैपेसिटी कम से कम 50 प्लस होना चाहिए। अगर आप क्योंकि 8 से 10 दिन के लिए जा रहे हैं, अगर आप 2 लोग जा रहे हैं विलियन के साथ में अगर आप हैं, तो कम से कम आपको 50 लीटर्स एक साइड में होना चाहिए, मतलब इट मीन्स कम से कम आपका जो बैग का साइज है, कम से कम जैसे कि मैंने गोल्डन राइडर का एक बैग है, तो आपको ऑब्वियसली मैं सबका लिंक दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप क्या क्या चीजें बाय कर सकते हैं वो आप देखिए, तो हम उसका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। कम टू टॉपिक आते हैं, आपको राइडर बैग होना चाहिए एसेंशियल, कम से कम 4 से 5 जोड़ी कपड़े होने चाहिए आपके पास, अगर आप राइडर पैंट आपके पास नहीं है, राइडर जैकेट नहीं है, आप नॉर्मल क्लोथ वेयर करने वाले हैं, नी गार्ड, एल्बो गार्ड अगर आप बाय करने वाले हैं, तो कौन से बाय करने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, लिस्ट वैसे भी आपको जो ये लिस्ट मैं बता रहा हूँ वो सारी लिस्ट आपको मिल जाएंगी। फर्स्ट एड किट आपके पास होना चाहिए, बिकॉज रूट जो है बहुत खाली मिलेगा आपको ऑब्वियसली, मगर ले लद्दाख के रूट में, मनाली टू ले के रूट में आप कभी भी अकेले नहीं है, सब आपकी हेल्प करने जाएंगे, बट हेल्प का वेट मत करिए, आप फर्स्ट एड लेके जाइए, जैसे मेडिसिन में डायमॉक्स आपके पास होना चाहिए, अगर आप उस क्लाइमेट में थोड़ा सा ढलना चाहते हैं तो डायमॉक्स आपके पास होना चाहिए, और कौन कौन सी मेडिसिन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, वहाँ आपको मिलेगा। नॉर्मल वॉमिट के लिए या चक्कर आ रहा है या हेडेक हो रहा है या फीवर हो जाता है बाई चांस, तो उसके लिए कौन कौन से टैबलेट हैं, स्टैंडर्ड टैबलेट हैं वो आप ले सकते हैं। तो ये चीजें हो गई, क्लोज आपको कैरी करना है। उसके बाद आपके पास आता है कैमराज, अगर आप कैरी कर रहे हैं तो, लैपटॉप अगर कैरी कर रहे हैं तो, ये सब चीजें जो छोटी मोटी चीजें हैं वो आपको जरूर कैरी करनी है, मगर मैं अगेन बोल रहा हूँ कि राइडिंग गियर फुल होना चाहिए, डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए, अगर ये 2 चीज हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई तो बाकी सब चीजें तो वहां से मिल सकती हैं, तो ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है, एंड बाकी सबका लिस्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिएगा। अब बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट, जिसके लिए लोग हर बार प्लान ड्रॉप करते हैं, और कई लोग साल साल भर प्लान करते हैं उसके बाद भी नहीं कर पाते, बिकॉज खर्चा ज्यादा हो रहा होता है, ठीक है, तो क्या आएगा खर्चा, कितना आएगा खर्चा, उसके बारे में बात करने वाले हैं, और यू नो मैं आपको एक टेंटेटिव रफली आइडिया दूंगा जिसके जितना मेरा खर्चा हुआ था उसके हिसाब से, ठीक है। तो मैंने किया था चंडीगढ़ टू लेह, मैंने अपनी बुलेट जो थी मैंने रेंट की थी, कहाँ से आपको रेंट करनी है वो भी डिटेल आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां से भी देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करेगा, सो दैट आपको सारी डिटेल जो है मैक्सिमम, जो भी इस व्लॉग में को लंबा नहीं करना चाहता था मैं, तो उसके लिए मैंने सारी एसेंशियल डिटेल जितनी भी आपको मैक्सिमम देना चाहूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। तो कहां से आपको रेंट कर सकते हैं, कौन से बेस्ट ऑप्शन है रेंट करने के लिए, ले में भी जो लोग डायरेक्ट ले जा रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा, एंड और चंडीगढ़ में भी है तो चंडीगढ़ से आप कहां से रेंट कर सकते हैं वो, अगर आप गाड़ी रेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो पर डे का रेंट जो कॉस्ट आएगा टेंटेटिवली क्लासिक 350 का, जो क्लासिक 350 एंड थंडरबर्ड 350 का मॉडल बताऊं तो कम से कम 1100 से 1200 के आसपास में आपको एक पर डे का आपको कॉस्ट पड़ेगा, इसमें पेट्रोल इंक्लूड नहीं है, ठीक है, तो पेट्रोल का एक्स्ट्रा रहेगा। तो अभी कितना आगे हम अगर हम बात करते हैं, तो नॉर्मल पर डे का जो खर्चा रहता है गाड़ी के साथ
अगर मैं खर्चा गिनूं तो कम से कम 3500 से लेके 4000 का पर डे का खर्चा रहता है। अगर आपने 10 डेज का बना रखा है प्लान तो आप इसको टेंटेटिवली 40K के आसपास मान लीजिए पर हेड का खर्चा होगा, जिसमें इंक्लूड किया हुआ है आपका रेंट, पेट्रोल, ठीक है, आपकी गाड़ी क्योंकि 25 के आसपास एवरेज देगी, तो कम से कम आप मान लीजिए कि आप 300 किलोमीटर के आसपास अगर राइड करते हैं 19-20, क्योंकि पहाड़ों में भी ऑब्वियसली बात है कि पहाड़ों का कैलकुलेशन जो किलोमीटर का है तो टोटली डिफरेंट लगता है आपको, तो कभी भी आप नापेंगे तो आपको ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो पहाड़ों का कैलकुलेशन किलोमीटर्स का आई डोंट नो कैसे नापा होता है, बहुत 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 लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, 5-5, 6-6 किलोमीटर करना भी आपको लगेगा कि बहुत लंबा रहता है। तो आपकी 25 की एवरेज आएगी क्योंकि फुल थ्रोटल फुल जाता है, ऑक्सीजन कमी है तो एवरेज की गाड़ी नहीं देगी, तो उसकी वजह से आपका कम से कम 800 से 900 तो कम से कम पेट्रोल में जाएगा डेली का, 800 के आसपास मान के चलिए, ऑब्वियसली पेट्रोल महंगा भी हो गया उसकी वजह से भी, तो पेट्रोल हो गया, गाड़ी का रेंट हो गया, एंड उसके बाद आ गया फूड, देन स्टे, ये इंपॉर्टेंट बेसिक नीड्स हैं जो आपको 3500 से 4000 के आसपास पड़ेंगे, डिपेंड करता है आपके नेगोशिएशन स्किल्स पे, ठीक है, कितना बचा सकते हैं, क्या आप किस टाइप का होटल ले रहे हैं, स्टे मीन्स मैंने पर हेड 700 के आसपास गिना हुआ है, ठीक है, नॉर्मली लगता है बिकॉज अगर आप कपल में रह रहे हैं तो 1100 1200 के आसपास में, 1300 के आसपास में आपको रूम्स मिलेंगे मिलेंगे, या आप डबल भी जा रहे हैं, फ्रेंड्स साथ जा रहे हैं, अगर आप डबल अकोमेंसी के रूम लेते हैं तो आपको कम से कम 1200 1300 1400 तो आपको पड़ेंगे, क्योंकि रेंट जो टेंट्स हैं टेंट की कॉस्ट भी कम से कम पर हेड 700, डिपेंड्स करता है आप टेंट कौन से लेते हैं, ठीक है, इसमें से वेरी कर सकता है। मैं 40,000 आपको टेंटेटिवली कॉस्ट बोल रहा हूँ, उसका ब्रेकअप, एक छोटा कॉस्ट ब्रेकअप जो है मैं आपको थोड़ा सा डिस्कशन में देने की कोशिश करूँ, जिससे आपको आइडिया रहे कि बजट क्या होता है। पर आप जितने दिन एक्सटेंड करते हैं कहीं पे भी तो आपका रेट जो है वो भी सेम होता है, बिकॉज आपका स्टे, फूड एंड गाड़ी का जो खर्चा है वो भी ऐड होता जाता है, ठीक है, आप डेज के हिसाब से लेते हैं। अगर आप गाड़ी रेंट नहीं कर रहे हैं तो टोटली आप उसमें से 1100-1200 जैसा निकाल दिए, फिर भी उसमें फ्यूल चार्ज तो आएगा ही, फूड, स्टे, ये तीन चीज जो है इंपॉर्टेंट उसमें आएंगे, बाकी डिपेंड करता है आप दूसरे कौन से खर्चे करते हैं उसमें। बट ये जो मैंने आपको प्लान बताया, ये जो आपको रूट प्लान बताया, ये जो आपको क्या क्या चीजें कैरी करनी है वो बताया, एंड उसके बाद आपका बजट जो होना चाहिए पर डे का, अगेन बोल रहा हूँ 3500 से 4000 के आसपास टेंटेटिव कॉस्ट है, आप इसमें से कितना सेव करते हैं, कितना खर्चा करते हैं वो टोटली डिपेंड करता है आपके लिविंग स्टाइल पे, ठीक है। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ आप इसको डेज के साथ कैलकुलेट कर लीजिएगा, जहां आप राइड नहीं भी कर रहे हैं तो ऊपर नीचे खर्चा हो ही जाता है फूडिंग का और ये सब का, प्लस माइनस अगर करेंगे तो आपका खर्चा जो आएगा 10 डेज का, मैं टेंटेटिवली आपको बता रहा हूँ, तो 40K के आसपास, 40,000 के आसपास रहेगा। अगर आप इतना, अगर आप यहाँ से चंडीगढ़ से ले जा रहे हैं तो जैसा मेरा खर्चा जितना हुआ था वो मैं बता रहा हूँ, कपल में है थोड़ा 19-20 का ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, फूडिंग इंक्रीज हो जाएगा एंड स्टे, फूडिंग एंड स्टे हो जाएगा, पेट्रोल एंड बाकी जो है वो। अपनी गाड़ी अगर आप लेके जा रहे हैं तो अगेन बोल रहा हूँ कि टूल किट तो आपके पास होना ही चाहिए, अगर आप अगर आपकी गाड़ी ट्यूबलेस भी है फिर भी कैरी करिए, टूल किट मस्ट है, क्योंकि बीच में हमारी गाड़ी पंचर हुई थी तो हमने वो फेस किया था, तो बेसिक टूल हमारे पास थे तो हमारी गाड़ी थोड़ी सी जल्दी बन गया था, वो कॉक्सर के आसपास जो कि रोहतांग पास से जब नीचे उतरते हैं तब हमारी गाड़ी पंचर होती है, वहाँ पे थोड़ा रफ रोड मिलती है, तो टूल किट आपके पास होना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड स्टे ट्यून, आपके बहुत अच्छी अच्छी ब्लॉग्स आने वाले हैं, कुछ भी डाउट्स हो बजट रिगार्डिंग, रूट प्लान्स के रिगार्डिंग, या फिर क्या क्या चीज़ें कैरी करनी है वो सब के रिगार्डिंग, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देख लीजिएगा, वहाँ भी समझना है तो मुझसे जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है, मुझसे कनेक्ट कीजिए इंस्टाग्राम पे, तो आप फेसबुक पे, मेरे फेसबुक पेज पे, वहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये सारे लोकेशन आप लोगों के लिए, सारे सोशल मीडिया के जितने भी मेरे चैनल्स हैं, जितने मेरे पेजेस हैं, वहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपको आंसर दूंगा।